दोस्तों जब बात बच्चों को जन्म देने की आती है तो आपके जहन में काफी ड्रामेटिक से इमेज घूमने लग जाती होगी, जिसमें एक महिला दर्द से चिल्ला रही है, डॉक्टर उसे संभालने में लगे हैं वगैरह वगैरह। पर आपको बता दें, इस तरह का मेलोड्रामा केवल हम इंसानों के ही जन्म पर होता है, वरना प्रकृति में मौजूद बाकी जीव जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उसका नजारा कुछ अलग ही लेवल का होता है, जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि प्रकृति जानवरों को किस हद तक ताकतवर बनाती है। जिनमें से कुछ जानवरों के जन्म लेने का प्रोसेस इतना ज्यादा हैरान करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। डॉल्फिन। पानी में रहने वाले इस क्यूट से जीव को हम सभी पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने डॉल्फिन के जन्म देते हुए देखा होगा। असल में दोस्तों, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और डॉल्फिन काफी पेशेंट किस्म के जीव होते हैं, जिन्हें किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं होती, और यही चीज इन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पर काफी मदद करती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हवाई का है, जहाँ एक फीमेल डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है। ये काफी धीरे धीरे पानी में तैरते हुए अपने बच्चे को पीछे की तरफ धकेल रही है। पानी के अंदर रहने की वजह से इनका जो प्रोसेस है वो भले ही लंबा होता है, लेकिन काफी आसान हो जाता है और मादा डॉल्फिन को ज्यादा दर्द भी झेलना नहीं पड़ता। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली चीज तो ये है कि जैसे ही डॉल्फिन का बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर निकलता है, वैसे ही बिल्कुल मास्टर की तरह स्विमिंग करना शुरू कर देता है। टाइगर गिविंग बर्थ। दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों में से एक टाइगर वैसे तो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन जब बात बच्चों को जन्म देने की आती है तो इन्हें एकांत पसंद होता है। जहाँ एक तरफ हम इंसान बच्चे को जन्म देने के टाइम काफी चिल्लम चिल्ले करते हैं, तो वहीं ये बड़ी शांति से बैठ जाती है और दर्द को सहती है। जब इन्हें महसूस होता है कि अब बच्चे को जन्म देने का समय आ गया है, तो आप खुद ही देखिए कैसे ये हिम्मत करके अपने आप बच्चों को इस दुनिया में जन्म देती है। यानी कि इन्हें किसी भी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। टाइगर के बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं और एक बार में करीब एक या दो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देने के बाद इनका शरीर काफी थक जाता है, और इस टाइम पर अगर इस फीमेल टाइगर को कोई परेशान करेगा तो उसकी मौत समझिए पक्की है। एलिफेंट। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विशालकाय लैंड एनिमल यानी कि हाथी अपने पेट में बच्चे को करीब 22 महीनों तक पालती है। यानी कि जिस टाइम में ह्यूमन फीमेल दो बार प्रेग्नेंट होकर डिलीवरी कर सकती है, उससे अधिक टाइम तक हाथियों का प्रेगनेंसी पीरियड चलता है, और इतने अधिक समय में पेट में पल रहा बच्चा करीब 250 पाउंड से ऊपर का हो जाता है। अब आप खुद ही सोचे, एक हाथी को अपने पेट में कितने भारी बच्चे को कैरी करना पड़ता है, वो भी इतने लंबे समय तक। पर फिर भी उसे अपने पेट में न सिर्फ पालती है बल्कि जन्म देने के बाद उसका पूरा ख्याल भी रखती है। बच्चों के इतने अधिक वजन होने की वजह से हाथी केवल एक ही बार में एक ही बच्चे को जन्म देता है। मादा हाथी अक्सर अपने बच्चे को रात के समय ही जन्म देना पसंद करती है, और जब ये जन्म देती है तो उसके कुछ ही समय बाद इनका बच्चा वापस से खड़ा होकर इस दुनिया में चलना भी शुरू कर देता है। चीता। दोस्तों, अब अगर मादा हाथी के जन्म लेने का तरीका आपने देख लिया तो आप इस फीमेल चीता के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको बता दें, ये कोई मामूली चीता नहीं है, बल्कि वर्जीनिया के मेट्रो रिचमंड जू में रहने वाली मिलानी नाम की मादा चीता है, जो अपने बच्चों को पहली बार जन्म दे रही है। असल में चीता बहुत ही सेंसिटिव किस्म के जानवर होते हैं, इसलिए मादा चीता बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, लेकिन इसका डर तब छूमंतर हो गया जब इसने हल्की सी ताकत लगाई और इसके सभी बच्चे एक एक करके बड़े आराम से पृथ्वी में अपनी पहली सांस लेने को तैयार हो गए। उस रात इस मादा चीता ने 5 बच्चों को जन्म दिया और 5 स्वस्थ थे। राइनोसोरस। दोस्तों, राइनोसोरस का बच्चे देने का तरीका भी काफी हद तक हाथी से मिलता है, जहां इनका बच्चा भी दुनिया में आने से पहले पाउच में कवर होता है। जैसे ही पृथ्वी पर उसका शरीर पड़ता है, उसकी प्रोटेक्शन लेयर टूट जाती है, तब जाकर राइनोसोरस के बच्चे को पृथ्वी पर जन्म लेने का मौका मिलता है। आपको बता दें, राइनोसोरस का प्रेगनेंसी पीरियड 18 महीने तक चलता है और ये हर 2.5 साल में एक बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ तक कि हाथी की तरह ही इन्हें अपने बच्चे को जन्म देने में ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती, बस इन्हें बैठकर स्काउट करना पड़ता है और हल्का सा प्रेशर लगाने पर बच्चा पृथ्वी पर राज करने के लिए पहुंच जाता है। जन्म के समय एक बेबी राइनोसोरस का वजन 45 किलो का होता है, लेकिन फिर भी ये बड़े होने तक अपनी माँ के साथ ही रहना पसंद करते हैं, और इन्हें भी जन्म के कुछ ही मिनटों बाद आप चलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इनका शरीर भी इतने अधिक समय तक माँ के पेट में रहने की वजह से पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। दोस्तों, जब हम राइनोसोरस की बात कर ही रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में बताना मत भूलना कि राइनोसोरस को हिंदी में क्या कहते हैं, गैंडा या फिर उदबिलाव। अपना जवाब अपने होस्ट दोस्त सैम को कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। जिराफ।
आइए बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे जानवर के बारे में। हम सभी को पता है जिराफ कितने ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन इनकी लंबाई के साथ साथ इनका अपने बच्चे को जन्म देने का तरीका भी बड़ा खास है। तभी तो जब कभी भी मादा जिराफ अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म देती है तो उसे डायरेक्ट 3 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराती है। मादा जिराफ कभी भी अपने बच्चे को बैठकर जन्म नहीं देती, बल्कि खड़े खड़े जन्म देती है, जिसकी वजह से बच्चा 3 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। इत्तेफाक देखिए, इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आती। बच्चे को जन्म लेने के बाद मादा जिराफ अपने बच्चे को लगातार सहलाती रहती है, जब तक बच्चा खुद उठकर चलना ना सीख ले। जिराफ की टांग काफी कमजोर होती है, इसलिए अपने पैरों पर पकड़ बनाने के लिए उन्हें शुरू से ही उस पर दबाव डालना जरूरी रहता है। कंगारू। अब कंगारू के जन्म देने का प्रोसेस किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। हम आपको बता दें, प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद कंगारू का बच्चा बहुत छोटा सा होता है, यहाँ तक कि उसके शरीर में स्किन तक नहीं चढ़ी होती और उसकी बॉडी ठीक तरह से डेवलप नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के यूट्रस से निकलकर उसके पाउच में अपनी जगह बनाने चला जाता है। और जैसे ही बच्चा अपनी माँ के पाउच में पहुंच जाता है, उसके बाद बच्चे की असली ग्रोथ शुरू हो जाती है, क्योंकि मादा कंगारू के पाउच में 4 अलग अलग निप्पल मौजूद होते हैं, जिनसे अपना फूड कंज्यूम करके ये बच्चे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। और ये अकेला ऐसा एनिमल बर्थ गिविंग प्रोसेस है जिसमें माँ को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सी लायन। अब मिलिए उस जानवर से जिसको बच्चे देते समय वैसा ही दर्द होता है जैसे हम इंसानों को होता है, और ये दर्द इन्हें लगातार 7 घंटे तक सहना पड़ता है। आप इस सी लायन को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लेबर पेन की वजह से इसका पूरा शरीर दर्द से अकड़ रहा है, यहाँ तक कि तेज लेबर पेन की वजह से ये रोने लगती है। दोस्तों, वैसे तो आमतौर पर सी लायन को दर्द तो होता है, लेकिन बच्चे को जन्म देने का उनका यह प्रोसेस बहुत जल्दी निपट जाता है। पर लगता है ये सी लायन कुछ ज्यादा ही बदकिस्मत थी, तभी तो इसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि लेबर पेन के चक्कर में अपनी प्रेगनेंसी तक को भूल गई थी। हालांकि लंबे और दर्दनाक लेबर पेन के बाद इसने बच्चे को जन्म दे दिया। स्टिंगरे गिविंग बर्थ। दोस्तों, स्टिंगरे उन जीवों में से एक है जिन्हें देखना भी लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात होती है, लेकिन हम तो यहाँ पर न सिर्फ आपको स्टिंगरे को दिखा रहे हैं, बल्कि इन्हें आप जन्म देते हुए भी देख सकते हैं। आप खुद ही देखिए कैसे इस समुद्री जीव ने एक साथ 12 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया। वैसे दोस्तों, नॉर्मली तो ये केवल 5 से 6 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन इस बार तो इन्होंने क्रिकेट टीम के प्लेयर से भी ज्यादा बच्चों को एक ही बार में इस दुनिया में आने का मौका दे दिया। इस वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये असल में स्टिंगरे के बच्चों की डिलीवरी में उसकी मदद कर रहा है, जो कि बिल्कुल सच्ची इंसानियत है। पर हाँ, आप ऐसे इंसानियत दिखाने मत पहुंच जाना, क्योंकि स्टिंगरे काफी खतरनाक होती है और इन्हें अपने हाथों से पकड़ना यानी मौत के दरवाजे पर दस्तक देने से कम नहीं है। वो तो ये जनाब इस चीज में एक्सपर्ट हैं और इन्होंने इस मादा स्टिंगरे को बिल्कुल कंफर्टेबल फील करवा दिया है, वरना तो अब तक ये इन पर भी वार कर चुकी होती। हॉर्स। हो सकता है आपने हॉर्स यानी घोड़े को जन्म देते हुए देखा हो, लेकिन एक बात आपको भी माननी पड़ेगी, इनका बर्थ गिविंग प्रोसेस काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। हॉर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग एनिमल होते हैं और इनका अपने बच्चों को जन्म देने का जो प्रोसेस होता है वो काफी पीसफुल और प्राइवेट होता है। इन्हें किसी भी तरह की दखलअंदाजी पसंद नहीं है। जहाँ अकेले में फीमेल हॉर्स बड़े आराम से बैठकर अपने बच्चे को जन्म दे देती है, और जन्म देने के बाद इन्हें किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं पसंद, वरना इरिटेट हो जाती है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो डिलीवरी के पूरे प्रोसेस में इन्हें सिर्फ और सिर्फ एकांत चाहिए होता है। पर जब बात न्यूबॉर्न हॉर्स की आती है तो इनकी सबसे अच्छी बात होती है कि जन्म देने के तुरंत बाद ये इधर उधर लात मारना शुरू कर देते हैं, जैसे कि लात मारने का हुनर ही अपनी माँ के पेट से सीख कर आए हों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको किस एनिमल के बच्चे देने का प्रोसेस सबसे यूनिक लगा, उसके बारे में हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।